जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार देने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हमेशा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चैनल से जुड़ना आपका बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले, पहले क्यों नहीं बताया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम बताने के बाद आप कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया, तो उसी कड़ी का ये वीडियो है, पहले क्यों नहीं बताया। तो पहली बात कहना चाहता हूँ कि पहले क्यों नहीं बताया। आप जितना दौड़ रहे हैं, जितना परेशान हो रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, जितनी सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, हर व्यक्ति उलझा हुआ है। बस ये अलग बात है कि कोई स्वीकार कर लेता है हम जैसा कि हाँ हम उलझनों में उलझे हुए हैं, कोई अस्वीकार कर लेता है होते हुए भी। बस ये दो डिफरेंस है, उलझे हुए और सुलझे हुए लोगों में। तो हर उलझन का कोई ना कोई वजह होती है, और मैं तो ये यहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि उलझने ही जीवन है। मतलब उलझने में जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपको जीने में मज़े नहीं आएंगे, तब तक आप पूरी अंदर की जितनी योग्यता है उनका सही प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो उलझने जीवन है, उनसे घबराने की कोई बात नहीं, उनका सामना करना है। ये बात आप सभी लोगों से सुनते आए ही होंगे, आपको हमेशा बचपन से यही बताया गया होगा कि परेशानी से डट कर सामना करना चाहिए। तो मैं वो बात नहीं करूँगा, मैं ये बात कहूँगा कि उलझने जो है वो जीवन है, उसी में जीवन समाया है, उनसे लड़ना, डरना, चमकना, टकराना, उठकर गिरना, पड़ना, उठना, ये सब चलता रहता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन के अंग है, जीवन में ये होना चाहिए। तो पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में ये सब होने के साथ साथ ये आपको डाइवर्ट करती है ईश्वर के नाम का स्मरण करने से। आप में अगर शक्ति है, आप सिर्फ 8 दिन श्री राम का कंटिन्यू नाम लेके रखें, 1008 बार लें या 2008 बार लें, 5008 बार लें, केवल 8 दिन आप लेके देखिए। अगर 8 दिन आप लेंगे ना, 9वें दिन से ऑटोमेटिकली आपके ऐसे काम बनेंगे और सब पॉजिटिव ऐसे काम होंगे कि आप उनमें उलझ जाएंगे, कोई भी काम नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ। ये पहली तो सबसे अच्छी बात, और सब कुछ काम इतने पॉजिटिव होंगे कि जिनमें आप पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से ऐसे उलझ जाएंगे कि आप ईश्वर का नाम नहीं ले पाएंगे। ये बड़े बड़े अध्ययन करने वाले लोगों की जो मैंने डिस्कशन में जो बातें सुनी, उनका ऑब्जर्वेशन किया, और मैंने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को माना, बहुत से ऋषि साधु संत हैं और कई सारे लोगों के बाद जाके मैं इस परिणाम पे पहुंचा हूं, और मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर भी इस चीज़ को महसूस किया है। तो ये बात आपको फिर मत कहिएगा कि पहले नहीं बताई। तो जितना हो सके उतना ईश्वर का नाम लेने की कोशिश करें, और हाँ, उन जो पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि ये अभी मौका मिला है। आपके मन में इतने ख्याल आएंगे कि यार ये अभी मौका मिला है, इसे पकड़ लेते हैं फिर चूक जाएंगे, वो सब छलावा है आपको कि आप ईश्वर का नाम न लेते हुए आप उस सकारात्मक काम की ओर जुट जाएं और आपका ध्यान यहाँ से डाइवर्ट हो जाए। आपके जितना नाम का, आपका जितने भी नाम आपने लिए हैं, स्मरण किए हैं, उसका जो भी पुण्य प्रताप है तब तक वो पॉजिटिव रहेगा, और जिस दिन वो ख़त्म हो गया आप फिर से पीछे आ जाओगे, वहीं खड़े हो जाओगे, और वो अवसर होने के बाद आप फिर से जिस कंडीशन में ईश्वर का नाम ले पा रहे थे, वो समृद्धता, स्पष्टता, या यूँ कहूँ कि जो मन की शांति, निश्चल, कपट, वो चीज़ें नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अपने काम को दूसरी प्राथमिकता दे और ईश्वर के नाम को पहली प्राथमिकता दे। आप लेके देखें, चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, महिला हो, आपकी उम्र कोई भी हो, आप एक बार ये जरूर करके देखें 8 दिन तक कंटिन्यू। बहुत से लोगों को मैंने अनुभव शेयर किया, बहुत से लोगों को ये बात बतलाई, और उनको जीवन में बिल्कुल वो 8वें दिन क्या दोस्तों, 4थे दिन, 5वें दिन ही कहना शुरू हो जाता है कि बिल्कुल पंडित जी आपने बिल्कुल सही बात की। तो मुझे यकीन है आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ईश्वर का नाम लेना है, उठते बैठते जागते कोई भी एक मंत्र का जाप करें, हो सके तो श्री राम मंत्र का जरूर जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसकी जानकारी अगर कुछ यूनिक हो तो ज़रूर कमेंट्स बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छी बात लगी हो। तो बस दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, प्यार देते रहें, और हमेशा जय श्री महाकाल कमेंट्स करते रहें। तो बस, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।